नाउ लेट अस डिस्कस के इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या चीज़ है सबसे पहले ये देखते हैं कि इन्वेंट्री में किस चीज़ को बोल रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में इन्वेंट्री उस चीज़ को बोलते हैं जो आपके पोजेशन में है एज अ बिजनेस ओनर यानी आपने अपने ऑनलाइन स्टोर ओपन किया सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने क्या सेल आउट करना है क्या बेचना है तो हर वो चीज़ जो आप एज अ बिजनेस ओनर अपनी वेबसाइट के ऊपर ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर अवेलेबल करते हैं वो आपके प्रोडक्ट्स हैं और जितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं उसको हम लोग इन्वेंटरी बोलते हैं आसान लफ्जों में अगला क्वेश्चन आपको तमाम आना चाहिए कि हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं खासतौर पर ई कॉमर्स या ऑनलाइन स्टोर के कॉन्टेक्ट में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं कि ऑनलाइन स्टोर को अमूमन लोग मेजरली दो रीजन की वजह से यूज करते हैं आसान लफ्जों में सबसे पहला रीजन एंड कोर रीजन कि ईज ऑफ परचेजिंग यानी मुझे मार्केट में नहीं जाना मुझे जाके डिफरेंट शॉप्स हैं वो विजिट नहीं करनी मुझे फिजिकली जाके जो फिजिकल स्टोर है उसको विजिट नहीं करना दैट्स वन ऑफ द टॉप रीजन सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये है कि मुझे मेरे घर में वो चीज मिल जाएगी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है लेकिन ऑन टाइम दिस इज वेयर एक्चुअली मेनी मेनी ऑनलाइन स्टोर लैक या दे स्ट्रगल वो ये स्ट्रगल इस तरीके से करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी वेबसाइट पर गया आई ऑर्डर सिक्स मोबाइल फ़ोन फॉर एग्जाम्पल अब क्योंकि इन्वेंटरी मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हुई हुई या अगर मैं थोड़ा सा हार्श लफ्ज़ यूज़ करूं फेक आउट की हुई है इन्वेंट्री फेक आउट इन्वेंट्री से मुरादी होती है कि मेरे पास पोजेशन में हैं तो फॉर एग्जाम्पल चार मोबाइल फ़ोन लेकिन मैंने शो कर दिए वेबसाइट पे छः इसका मतलब ये है कि जैसे ही मुझे छः मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर आएगा आई हैव टू अरेंज

स्क यह कि मुझे फॉर एग्जाम्पल दो मोबाइल फोन मैं अरेंज नहीं, नहीं कर पाता या कोई ऐसा ब्रांड यूजर ने ऑर्डर कर दिए जो मार्केट में शॉर्ट है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑन टाइम डिलीवरी मैंने कमिट की है विद द क्लाइंट वो एक्चुअली मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा सो ऑनलाइन डिलीवरी डायरेक्टली यानी ऑन टाइम डिलीवरी डायरेक्टली लिंक है हाउ गुड योर हाउ गुड और बैड योर इन्वेंटरी इज मैनेज ये बड़ी क्रिटिकल चीज है एक तो ये एस्पेक्ट है इसका कि आप जो जो टाइम टू डिलीवर जो जो टाइम टू डिलीवर है जो कमिट कर रहे हैं यू ऑनर इट यानी आपने जो डेट बताई है जो दिन बताया यूजर को उस दिन यूजर को चीज वो मिल जाएगी या दिन बताया है या आपने रेंज बताई है कि फॉर एग्जांपल इन अ वीक टाइम मिल जाएगी तो अगर वीक टाइम में नहीं मिलती तो यूजर का जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होगा ये तो अपने आप को अपने कंपेरेटिव मार्केट में आपने इन रखना है अपने स्टोर को तो ये बहुत जरूरी चीज है नंबर वन नंबर टू इसका एक डाउन साइड भी है जो इन्वेंटरी है वो क्या है बेसिकली वो किसी भी ऑनर की इन्वेस्टमेंट है बेसिकली कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंट यानी अब पहले से ही मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब पचास लैपटॉप ख़रीद कर रख लेता हूँ और वो मैं फिर जैसे जैसे मुझे ऑर्डर आते जाएंगे तो मैं फिर वो सेल आउट करता जाऊँगा यानी उसको यूजर को मैं डिलीवर करता जाऊँगा इसका मतलब ये कि पचास लैपटॉप मैंने पहले परचेज़ करने हैं तो यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है कि आप ये भी नहीं कर सकते कि आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट या बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री पे कर दें मतलब योर इन्वेंट्री शुड बी इन मूविंग फॉर्म मूविंग इन्वेंट्री से मुरादी होती है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल जैसे ही पचास लैपटॉप आए तो आपने पचास में से कुछ चंक आप डिलीवर कर दिया जो आपके पास पैसे आए यू प्रोक्योर मोर ये एक सिंपल सा लाइफ साइकिल होता है बिजनेस का जो जो किसी भी फिजिकल स्टोर में भी ऐसे ही होता है तो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री अगर आप रखेंगे अपने पास तो ऑब्वियसली आपका जो रेवेन्यू है उसका चांस कम होगा जनरेट करने का क्योंकि आपने अपने पैसे यूं कहें कि आप आपने पैसे एक जगह रख दिए हैं अब कोई खरीदेगा तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा तो ये वेरी करती है फ्रॉम बिजनेस नीड टू बिजनेस नीड और ये चीज आपको बहुत हेल्प आउट करती है यानी आपके पास अगर पचास लैपटॉप हैं आपको ओवर सेलिंग से बचाती है इन्वेंट्री इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या आपके पास है जितनी अमाउंट आप वही सेल आउट करें आप ज्यादा Uh, वो चीज सेल आउट ना करें जो आपके पास नहीं है तो आसान लफ्जों में जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसका जो दूसरा की एस्पेक्ट है ना ऑन टाइम डिलीवरी वो डायरेक्टली लिंक है द वे यू द वे यू मैनेज योर इन्वेंट्री द वे यू मैनेज योर प्रोडक्ट्स तो इसके लिए डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस uh, अवेलेबल हैं जो हम आगे जाके uh, अभी बाकी टॉपिक्स में डिस्कस करते हैं